नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं आपके साथ निषेध ठाकुर। चक्रवर्ती यास तूफान का कहर राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिला। चाहे सड़कें हो या अस्पताल हो या घर हो, सभी जलमग्न हो गए। सड़कों पर पूरी तरीके से पानी भरा रहा। जिस तरीके से लगातार बारिश हुई उससे अस्पतालों में भी पानी भर गया। अस्पताल परिसर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। इतना नहीं, लोगों के घरों तक पानी घुस गया। वहीं ताज़ा जो तस्वीर आई है वो कटिहार ज़िले से आई है, जहां पे सदर अस्पताल में भी पानी घुस गया और पूरी तरीके से अस्पताल जलमग्न हो गया। दरअसल यास तूफान की वजह से कटिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से लोगों का अस्त व्यस्त हो चुका है। बिजली विभाग कार्यालय हो, जिला समरणालय अनुमंडल कार्यालय हो या अलग अलग जगहें कटिहार की, चौक चौराहों की बात करें, सभी जलमग्न हो गए हैं। वहीं सदर अस्पताल में भी पानी जमा होने के कारण मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से जल निकासी का कार्य जारी है। वहीं हम तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है, चाहे DMCH की बात हो, अस्पताल परिसर में DMCH में भी पानी भरा हुआ है और कटिहार में भी सदर अस्पताल की तस्वीर दिखाई हमने, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ। और ये हाल सिर्फ एक ज़िले का नहीं है, पटना समेत बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जो जल जमाव का शिकार हुए हैं। और इतना ही नहीं, लोगों के घरों तक पानी चला गया है और कहीं ना कहीं जो सरकार की तैयारियां थी उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ यास की वजह से ये बारिश हुई है। आने वाले समय में जब बरसात का मौसम आएगा तो उस वक्त क्या स्थितियाँ रहेंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं नगर निगम और बिहार सरकार फेल दिखी, क्योंकि कई सारे लोग जल जमाव का शिकार हुआ और कहीं ना कहीं लोगों के सामने काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हुई थी। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही है? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? मरीज का फिर भी किसी भी हाल में तो हम लोग को देखभाल करना ही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर बरसात के मौसम को लेकर के सरकार की क्या तैयारियां होती हैं। क्या लोग जलजमाव का शिकार होंगे या फिर जलजमाव की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।